सत्ता होते हैं, ऋषि रूप होते हैं, वो शाश्वत के ही प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के उस परम सत्य के ही जीवंत रूप होते हैं, वो चलते फिरते देवालय होते हैं। तो ऐसे महाराज श्री जो उस भागवत सत्ता के शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, हमारी ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि हैं, हमारी संन्यास परंपरा के गौरव हैं, और हमारे बड़े भाई और अनन्य सखा भी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, और अपने आशीषों से हम सबको अनुग्रहित करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा शुभ यद भद्रम तन्नया शुभ शांति ही शांति ही शांति ही। जब भोर में भुवन भास्कर और उनकी किरणें धरा पर अरुण सुहाग सजाने सहेजने के लिए तत्पर हैं, ऐसे इस प्रातःकाल में भागीरथी के तट से पूरे विश्व को स्वयं के प्रति सचेत होने की प्रतिबद्धता, जगाई जा रही है, ऐसे इस दिव्य पातंजल योगपीठ में भारत के गौरव, और न केवल भारत और उसकी सभ्यता संस्कृति संवेदनाएं मूल्य, और पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त जिन्होंने अपना जीवन आहुत किया है, ऐसे श्वास श्वास में शुभ संकल्पों के जागरण के लिए मान्य यति परंपरा के आदर्श प्रखर चिंतक मनीषी विचारक दार्शनिक तत्ववेत्ता योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आदरणीय वंदनीय गुरुतुल्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, यहां अकारण नहीं है। इस धरती पर हमारा होना एक बहुत बड़ा कारण है। ये देह भोग भाग्य जाति आयु प्रारब्ध जो भी ये हम हैं, पूर्णता की अनुभूति के लिए है। और उसमें कहीं अभाव नहीं है। यो वै भूमा तत् सुखम, जहां अल्पताए अभाव है वहीं दुख है। तो ये आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जितने क्लेश हैं, ये अज्ञानता के कारण है, और ये जो अल्पता है ये भी अज्ञानता के कारण है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जितने द्वंद्व दुविधाएं भ्रम भय संशय अल्पता और जितने भी दुख के कारण हैं, ये सब
इनकी मूल जननी अज्ञानता है, अविचार है, अविवेक है, अविद्या है, अनभ्यास है। अविद्या तो पहली ही एक प्रकार से जननी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। पातंजल योग दर्शन में दुख की जननी अविद्या, पर अभ्यास से, गुरु सन्निधि से, विचार से, वैराग्य से उसे चुनौती दी जा सकती है। जो नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य बताए, सूची को असूची, असूची को असूची, जो अनात्म में आत्म का भाव जगाए वह विद्या। आत्म पदार्थ का अर्थ है जो नित्य पदार्थ है, जो नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, सामायिक है, जहां प्रसन्नता है, और वही अजर अमर भी है, वह भय शोक मुक्त भी है। अविद्या उसे ढक लेती है नित्य को, लेकिन अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, विचार के द्वारा, सत्संग, गुरु सन्निधि के द्वारा इस अविद्या आवरण से मुक्त हुआ जा सकता है और फिर अपनी पूर्णत्व को भी उपलब्ध हुआ जा सकता है। इस धरती पर पूर्णत्व के लिए ही है और कोई कारण नहीं। यहां अपने स्वरूप स्वभाव को जानने के लिए ही है। सच तो यह है कि अध्यात्म कुछ और नहीं, अपने स्वभाव में लौटने का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। तो ये जो भी हम कर रहे हैं, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप, सदगुरु सन्निधि, सत्संग और स्वाध्याय, शास्त्र विचार, ये सब ये स्वभाव में लौटाने के लिए है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। हम अपने स्वभाव में लौटे और जो हमारा स्वभाव है वह पूर्णता है, वह आनंद है, शांति है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये जो वेदांत वाक्य आदि हैं यही तो कहते हैं कि आप पूरे हैं। जैसा कि महाराजा भी कह रहे थे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अपने पूर्णत्व के बोध के साथ ही अल्पता चली जाएगी, ऐश्वर्य, विभूति, आनंद, माधुर्य, मुग्धता, सौंदर्य, वो सब उजागर हो जाएगा। कोई एक ही चीज है और वो पूरी पूरी अनुभूत होने लगेगी, वो पूरा एक ब्रह्म, वह परमात्मा आपको अनुभूत होने लगेगा। वो दूसरा इधर उधर कुछ और नहीं, एक ही चीज है सब जगह। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो एक ही है पूरा, कोई एक ही चीज है जो पूरी टोटैलिटी में, समग्रता में एक है और वो अलग नहीं। सर्वम खलु इदम, ये सब ईशावास इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, जो सब है ये सब वो पूरा एक है। हाँ, यहां से जीने की, भोगने की, जानने की कला सिखाई जा रही है।
सदगुरु सन्निधि, उनके विचार, शास्त्र विचार यही तो सिखाता है कि भोगना सीख लें, वो भी त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक। तीन व्यक्ति ने भुंजी था उसे त्याग पूर्वक सीखे। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, श्वास भी कैसे ली जाए ये पूरे संसार को जिसने बताया वो हमारे स्वामी जी हैं। ये भी भोग है अगर ठीक ढंग से श्वास नहीं ले रहे हैं, समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उपभोग में, भोग में, उपयोग में और उपभोग में बड़ा अंतर है। उपभोग में भोग जुड़ा है, उपयोग में योग जुड़ा है। उपभोग में भोग जुड़ा है, उपभोक्तावाद। अच्छा, उपभोक्तावाद का मूल है वो ग्राहक बनाएगा आपको, और भौतिकी हितों के प्रति, अधिकारों के प्रति जागृत करेगा। उपभोक्तावादी संस्कृति क्या कर रही है? आपको ग्राहक बना रही है, अपने हित के लिए, अपने लाभ और अपने सुख के लिए। उपभोक्तावादी संस्कृति आत्म केंद्रित करती है, स्वार्थी बनाती है। उपयोग में योग जुड़ा है और वो सबके लिए है। एक ऐसा जीवन, संत के सानिध्य से ऐसा जीवन बनता है कि अब त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक इस देह को भी, प्रारब्ध को भी, दूसरों के लिए, उनके भी इसमें हिस्से हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते, केवल आहुति देना नहीं, समय, विचार, शक्ति, सूर्ति, ऊर्जा, आपकी उमंग, तरंग, यौवन, आपके, आपकी आशावादिता, आपकी सकारात्मक सोच, आपका आपका विधेयक चिंतन, इससे भी लोग लाभान्वित हों। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते, केवल आहुतियां नहीं, केवल कुछ द्रव्य नहीं, केवल कुछ वस्तुएं नहीं। तो एक ऐसा जीवन वो सिखाते हैं जैसे वृक्ष का जीवन है। उस वृक्ष की छाल, छाया, गोंद, हरितिमा, पल्लव, पात, बौर, मंजरी, फल, फूल, सुगंधा, जड़ें, उसकी आर्द्रता, उसकी आभा, कितनी चीजें, पूरा बट रहा है वो एक वृक्ष, पूरा पूरा सूखने के बाद उसकी लकड़ियां, उधर की आंख शांत करने के लिए ईंधन, या कि वो समिधा, यज्ञ की समिधा बन रही है, पूरा बट रहा है वो। भूस्खलन के लिए उसकी जड़ें धरती को पकड़ रही हैं और उसकी आर्द्रता परिजन्यों को प्रभावित कर रही है, बादलों को न्योता दे रही है, जो बादलों को आमंत्रित कर रही है, बादलों को जो न्योता देती है कि वो आए, धरा पर बरसें, परिजन्यों में को संतुलित करना, उन्हें व्यवस्थित करना, उन्हें बाध्य कर देना, अंबर को बाध्य कर देना कि वो धरा पर निचुड़ने लगे, ये वृक्ष से होता है, उसकी आर्द्रता से। वैसा ही एक मनुष्य के पास बहुत कुछ है। सत्संग से वो, उसकी वो ऊर्जा जागृत होती है, उसे अपनी विभूति का बोध होता है कि मेरे पास क्या विभूति है। जैसे संकल्प की बड़ी सामर्थ्य है, विचार की बड़ी सामर्थ्य है, तो जो महाराज अभी बता रहे थे कि पूर्णत्व का बोध का अर्थ है कि वो अकामता, निष्कामता, पूर्णकामता, आप्तकामता, ये आएगी इसी से। तो अविद्या के नाश के लिए विचार है,
सत्संग है। पतंजलि ने दो ही बातें कही हैं, योग के लिए, चित्त की वृत्ति के निरोध के लिए, संप्रज्ञात समाधि के लिए, निर्वीज या निर्विकल्प या निर्वितर्क या निर्विचार अवस्था के लिए, ये दो चीज ही बताई हैं आरंभ में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, चित्त तो विकल्पों का भंडार है, जिसके पास में अनेक विकल्प हैं निरंतर, और उसके विकल्प उसी उतने ही हैं जितनी सागर में या सलिला में ऊर्मियां हैं उतने। महापुरुषों की सन्निधि से जो सबसे बड़ी चीज प्राप्त होती है वह है शुभ संकल्प, जागृत होने लगते हैं, आपके भीतर में संकल्प जगने लगता है। और मेरा यह अनुभव है, जगा हुआ महापुरुष, जागृत महापुरुष की सन्निधि में शुभ संकल्प ही आपके भीतर आएंगे, उसकी शुभता, उसका ऑरा, उसके पास विचार विभूति, उसकी विद्या का प्रभाव, उसका प्रचंड अभ्यास, उसकी अद्भुत अपनी आत्म मान्यताएं, उसका एक बड़ा प्रभाव रहता है, बड़ा प्रभाव। उसके सानिध्य में आप बैठ जाएं तो आप में अवांछित विचार नहीं आ सकते, अनपेक्षित विचार, हे निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य, बहुत सस्ते विचार नहीं आ सकते, कभी नहीं आएंगे। बहुत जो ओछे हैं, छोटे हैं और तुच्छ से विचार हैं, सच मानिए महापुरुषों के सानिध्य से हे और उपाधेय की सामर्थ्य जगती है। हे क्या है और उपाधेय क्या है, हेयता का बोध होने लगता है कि हे निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य, ये दुखकारक है, ये ठीक नहीं है। तो जो एक मनोबल है वो महापुरुषों के सानिध्य से जगता है। तन्मे मनः शुभ संकल्प मस्तु, जो शुभ संकल्प है वो महापुरुषों के सानिध्य से ही जागृत होगा। अरे सानिध्य की तो बात छोड़ो, इनके स्मरण मात्र से, मेरे से पतंजलि कहते क्या है, वीतराग विषम वा चित्तम, वीतराग विषम वा चित्तम, उन वीतराग महापुरुषों का ध्यान भी कर लिया जाए, मनसाध्या मन से एक बार, परंतु विश्वाभूतानि जातवेद पुनीह माम, आपको जो पवित्रता मिलेगी, ओम परंतु देवेनामाम, परंतु मनसाध्या, परंतु विश्वाभूतानि जातवेद पुनीह माम, मेंटली एक बार कनेक्ट तो होकर देखें आप उनसे। तो जैसे साधक विचारक, जैसे ही साधक और शिष्य मन से उनसे संपर्क स्थापित करना चाहता है, तो वीतराग महापुरुषों से एक बार आपकी तरंगे उनके साथ मिल गई, आपकी वेवलेंथ, आपकी वेवलेंथ, वो जो तरंगे हैं जिसे ये पश्चिम के लोग जिसे वेवलेंथ कहते हैं, एक बार आपकी वेवलेंथ मिली, एक बार वो तरंगे वहां संयुज उनको, वो जैसे मोबाइल है और उसकी कनेक्टिविटी मिली, ये संवाद होने लगते हैं। महर्षि पतंजलि लगभग यही बात कुछ कह रहे हैं, वीतराग विषम वा चित्तम। तो जो वो पुरुष है, जो जागृत पुरुष है, वो कहीं बैठा हो, सात समंदर पार बैठा हो, और सात समंदर तो बहुत छोटी चीज है, वो वहां हो, उस लोक में हो, तो विचार तरंगे संकल्प साधक को वहां जोड़ देता है। कछुआ और कछुवी अपने अंडों को रेत में छुपाकर 250-300 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, समुद्र में उनकी यात्रा होती है, अंडों को छुपाकर चले जाते हैं दूर 250-300 किलोमीटर तक जाते हैं, और वो लौटकर फिर से वहीं
उसी रेत में छुपे हुए अंडों को, चूंकि अब वो कवच में से निकल आए, उन्हें पहचान लेते हैं। तो जानते हो क्या छोड़कर जाते हैं वो? तरंगे, तरंगे, एक अज्ञात ध्वनि, अज्ञात ध्वनि। 350 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं वो समुद्र में, और वो फिर से पहचान लेते हैं, इसी रेत में हमने अपने अंडों को छुपाया है। जबकि रेत तो समंदर का आप जानते ही कैसा है, समुद्र के रेत में कुछ नहीं पता लगता, समुद्र का गीला रेत, वहां निरंतर लहरें आकर उस रेत और वहां के चिन्हों को मिटाती रहती हैं, रेत भी अदलती बदलती रहती है। लेकिन फिर से लौट कर वहां आते हैं वे कछुआ कछुवी, और वे कछुए अपने छुपे हुए अंडों को, अपने अंडों को वहां से वो पहचान लेते हैं। मेरी ऐसी, मैं अपने का अनुभव की बात बताऊं, जो संत सदगुरु हैं तरंगों से आपको पहचान लेंगे। जो आप यहां बैठे हैं जाने अनजाने में वो इस तरह से ही है। आप जो यहां बैठे हैं आपको पता ही नहीं है कि आपके भाग्य का फाटक यहां से खोला जा रहा है। न केवल आपके भाग्य का फाटक, मानवता के भाग्य का फाटक। ये पातंजलि योग पीठ केवल एक, केवल हिंदुओं के लिए, भारतीयों के लिए, एक समुदाय के लिए। जिन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है वो न समझे तो बात अलग है। ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। आहार विहार निहार औषधियां जो यहां से जा रहे हैं वो भैया लोक कल्याण के लिए है, वो जैव जगत के लिए है। क्योंकि महापुरुषों की चीज किसी एक के लिए नहीं होती, और न केवल यही लोक कल्याण के लिए है। ये कोई पतंजलि का अभियान यही लोक कल्याण के लिए नहीं है, ये परलोक के कल्याण के लिए भी है। क्योंकि सदगुरु के पास में जो विचार संपदा है वो यही लोक परलोक की लक्ष्मी को प्राप्त कराती है। एक बार इनसे कनेक्ट भी हो जाए, जैसा कि मैं कह रहा था कि सत्संग से संकल्प की दृढ़ता और एक निश्चय आपको प्राप्त होता है, विवेक आपके पास आता है। जैसे अविद्या जाएगी, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जाएगा, आपके भीतर में वो आनंद, ये अंतिम क्लेश बताऊं क्या है, अभिनिवेश। अभिनिवेश जानते हो क्या है? इसको बस सामान्य अर्थों में समझो, खो जाने का डर। सामान्य अर्थों में लीजिए इसको। गुरु जी बैठे हैं, मैं तो थोड़ा लोक भाषा की बात करता हूं एक बार। खो जाने का डर, मेरी चीज खो ना जाए, मेरी देह न चले जाए, मेरा मान न, मेरा सौंदर्य, मुग्धता, माधुर्य, मादकता, मासलता, तिलस्म, मेरा टूट न जाए। भाई यही तो अभिनिवेश है और क्या है। मेरा तिलस्म टूट जाए, मेरा आकर्षण न चला जाए, मेरी स्थितियां न चली जाए, मेरी चर्चाएं न खो जाए। जो पहली पंक्ति में जैसे तैसे मैंने संभाल के रखा हुआ है ये आसन, ये हिल न जाए। शीर्षस्थ अवस्था, शिखरस्थ अवस्था, छूट न जाए, यही तो अभिनिवेश है। इस अभिनिवेश के भय को अगर कोई दूर कर सकता है तो सच मानिए संत सदगुरुओं का सानिध्य, शास्त्र विचार और आपका यह अभ्यास। यहां से केवल प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं ना भैया, प्रसन्नता दी जा रही है, यहां से तो आनंद दिया जा रहा है, माधुर्य दिया जा रहा है, यहां से विद्या, विद्या दी जा रही है, विद्या, यहां से विचार दिए जा रहे हैं, यहां से अभ्यास कराया जा रहा है। हाँ वो यत्न पूर्वक तो होते ही है, अभ्यास प्रयत्न तो चाहता ही है। अभ्यास दो चीजें चाहता है, एक तो दीर्घकालिकता चाहता है और निरंतरता चाहता है। अभ्यास की दो मांग हैं, एक तो निरंतरता, निरंतरता, अविच्छिन्नता, अबाधता। वो अबाध हो, अविच्छिन्न हो, निरंतर हो, उसके सातत्य में, वो सातत्य उसका खंडित न हो, उसके सातत्य में निरंतरता रहे, वो सातत्य बना रहे उसका,
और कब तक? दीर्घकाल तक, दीर्घकाल तक। तो लोक भाषा की बात करो, जो यशोदा को 85 वर्ष की आयु में कृष्ण मिला, इसका अर्थ क्या है? तो मैंने कहा कि नंद और यशोदा ने लंबे समय तक साधन किया, लंबे समय तक। तो साधन दीर्घकाल तक होना चाहिए और अविच्छिन्न होना चाहिए। तो जो साधन दीर्घकाल तक है, अविच्छिन्न है, वो फल देता है। तो दशरथ को भी जो वृद्धावस्था में राम मिले हैं, आनंद मिला है, वो भी दीर्घकाल का अभ्यास है जो गुरु ने कराया। दीर्घकाल का अभ्यास तो है वो, जो राम मिले हैं, या देवहूति को कपिल मिले हैं, तो दीर्घकाल का ही तो अभ्यास है वो। यहां से अभ्यास कराया जा रहा है, ये प्रयत्न पूर्वक जो अभ्यास हम कर रहे हैं, अच्छे अभ्यास, कि हमारी अच्छी आदतें बने, अच्छा अभ्यास, उसी का तो हम परिणाम है। और हम कुछ और हैं नहीं, अपने अभ्यास का ही परिणाम है। सच मानिए, जीवन कुछ नहीं है, अपने अभ्यास की फसल है। हम अपने अभ्यास का उत्पादन है, हम अपने अभ्यास का ही उत्पाद हैं। आपका अभ्यास ही बताएगा कि आप भविष्य में क्या होने वाले हैं। ये तो आपका, क्योंकि जो अभ्यास किया था वो ये है आप। तो जो वो चीज है जिनमें व्यसन है, बुराइयां हैं, कहीं अध्यस्त हैं, अरे वेदांत में भी तो यही बताया जाता है कि प्राणाध्यास है, देह अध्यास है, ये तोड़ना है। जो देह अध्यास है, देह की मान्यता ही तो तोड़नी है, कि जो कुछ है वो मैं यही हूं। बड़ा निर्दोष चिंतन है वेदांत का भी। वो कहता भैया तू पूरा है, उसे समझ। मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर विचार संस्कार और ये जो देह पुंज है ये नहीं है, तू कोई आकृति नहीं है। असच जो तू है, जो चैलिटी में जो तू है, वो कोई आकृति नहीं है, बिंब नहीं है, मन बुद्धि विचार नहीं है, चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति नहीं है। तू सांसों का सिलसिला नहीं है, धमनियों में बहने वाला रक्त नहीं है, पाचक रस नहीं है। तो वो सत्ता है जो पूर्ण सत्ता है। इसे शास्त्र में यह भी कहा, अविनाशी तो तद विदे, उस सत्य को पहचानो जिसमें अविनाशी है। रामायण भी बहुत अच्छी बात कहती है, वो हमारा परिचय बताती है कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता भी यही बात कहती है, ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हम भगवान के अंश हैं, और फिर जब भगवान के अंश हैं तो स्वाभाविक ऐश्वर्य हमारे पास है, सौंदर्य हमारे पास है, माधुर्य हमारे पास है। भगवान है क्या? मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान तो माधुर्य का स्वामी है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, तो भगवान के पास माधुर्य है, सौंदर्य है। भगवान है क्या? आनंद ही तो भगवान है, आनंदो वे ब्रह्म। भगवान है क्या? सच्चिदानंद है। तो जो सच्चिदानंद है, जो आनंद है, माधुर्य है, जहां मुग्धता है, मोद है, जहां प्रसन्नता है, कुछ ऐसी चीज हाथ क्या लग गई होगी? गुरु के पास जाकर मीरा को क्या हाथ लग गया होगा? और जहां से मीरा निकली थी, मेड़ता से या राजस्थान से, मां श्रीनाथ जी हैं बहुत नजदीक, पर वहां गुरु नहीं बनाया उसने, वो महाकाल भी गई थी, उज्जैनी, वहां नहीं गुरु बनाया उसने, वो काशी की ओर बढ़ी। और वो कहती है, वस्तु अमूलक दिनी मारा सदगुरु, रैदास को बना लिया गुरु। गुरु थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए भैया, व्यवहारिक होना चाहिए, निर्लोभ होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। रैदास को बनाया। और जानते हो क्या कहती है फिर मीरा, ये सुनने की बात है, भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरदन की। यानी पहले तो था, अब नहीं है, कोई एक बड़ी चीज अब नहीं रही है।
तो गुरु उस प्रकार की चेतना, ऐसा ऐसी तरंग, ऐसा विचार, शास्त्र एक ढंग का विचार आपके हाथ दे देता है कि कोई कठिनाई नहीं है, भव सागर अब सूख गयो है, फिर कोई कठिनाई नहीं रही, फिर कोई कठिनाई नहीं रही। हमारी संस्कृति एक और काम करती है, वो शायद पश्चिम के लोगों को पता नहीं है, हमारी संस्कृति शिष्य नहीं बनाती, गुरु ही बनाती है, पूरा ही बनाती है, पूरा। इतनी स्वतंत्रता है यहां, स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को, बड़ी स्वतंत्रता है। राजतंत्र यहां कभी नहीं था, और जब जब राजतंत्र में एकाकीपना, एकाधिकारवाद आया है, तब तब उसने अनर्थ किया, अन्यथा तो हमारे यहां लोकतंत्र ही रहा है। ओम गणानांत्वा गणपति वंघवा महे, प्रियणांत्वा प्रियपति वंघवा महे, गणानांत्वा गणों का समूह, गणों का एक समूह। हजारों कथाएं भरी पड़ी हैं, यहां पर राजा संत बनाते थे, गुरु राजा बनाता था। यहां पर वो त्रेता रहा हो, उससे पहले सतयुग रहा हो, उसके बाद में द्वापर रहा हो, किसने पृथु को बनाया, कौन था जिसने पृथु बनाया? संतों ने हुंकार भरी और वैन को सत्ताच्युत करके और एक नई व्यवस्था खड़ी करके और पृथु का निर्माण किया। उसी से पृथ्वी है। गौतम, गणाद, जैमिनी, पारासर, पुल है, पुलस्त, पतंजलि, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, चाणक्य, लाखों हैं प्रसंग ऐसे। एक बात ध्यान से सुनना, जब से भी मानवीय अस्तित्व है तब से गणों के समूह को, प्रजा के समूह के उस शासक को संतों ने, महापुरुषों ने, अलोभ चित्त के प्राणियों ने बनाया है। पतंजलि योगपीठ से न केवल देह के उपचार किए गए, न केवल मन बुद्धि के उपचार किए गए, यहां से भैया राष्ट्र का भी उपचार किया गया है, यहां से राष्ट्र को भी स्वास्थ्य मिला है, लोकतंत्र को भी स्वास्थ्य मिला। मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूं, यहां पतंजलि योगपीठ में राष्ट्र के लिए विचारक, मनीषी, तत्ववेत्ता, शिक्षक, राजनयिक, सेनापति और सच मानिए शासक तैयार किए जा रहे हैं यहां पर। जो बच्चे यहां आचार्य कुलम में पढ़ रहे हैं, बच्चे आचार्य कुलम में यहां पढ़ रहे हैं, वे शासन करेंगे, वे नेतृत्व करेंगे, वे राजनयिक बनेंगे, वे कृषक बनेंगे, उत्तम कोटि के वास्तुकार बनेंगे, शिल्पकार बनेंगे, अच्छे चित्रकार बनेंगे, बेहतर और उस तरह के पत्रकार बनेंगे जैसे नारद पत्रकार है। यह मानव शिल्प गढ़ा जा रहा है। ये भैया ऐसी पॉटरी है, पॉटरी माने वो कुम्हार का मोहल्ला, चाक, मिट्टी, यह मिट्टी भी तैयार की जा रही है, व्यक्ति को भी गढ़ा जा रहा है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अलोभ चित्त का व्यक्ति हो, अलोभ चित्त का व्यक्ति, अकाम पुरुष, आप्तकाम पुरुष, पूर्ण काम पुरुष, जहां अकामता है, आप्तकामता है, पूर्ण कामता है, निष्कामता है, वो ये कर सकता है। और ये मठों में हुआ है, मंदिरों में, आश्रमों में यही हुआ है। ओम गणानांत्वा गणपति वंघवा महे, यहां गणेश पैदा किए गए, गणों के समूह पैदा किए गए, यहां शासक पैदा किए गए, नेतृत्व दिया गया है, वो सबल हाथों में, सही हाथों में जाए। तो यहां देश की प्रतिभा गढ़ी जा रही है। पतंजलि के सूत्र को फिर दोहराता हूं, वितराग विषम वा चित्तम। अगर महापुरुषों का ढंग से ध्यान भी कर लिया जाए, सन्निधि तो है ही बड़ी बात, उनका सान्निध्य मिले फिर तो कल्याण हो जाएगा। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु की संगति कल्याणकारक है।
पर ऐसा हो कि कहीं हम वीतराग, उन वीतराग महापुरुषों का कहीं हम ध्यान कर सकें, उनसे कहीं हम कनेक्ट हो सकें, तो बात फिर भी बन जाएगी। आचार्य कुलम अब हर जगह जा रहा है, वो तो लगभग हमें ये इतने आशान्वित तो हम हैं कि वो हर जिले में जाएगा, बाद में फिर हर तहसील में जाएगा, फिर बाद में वो हर जगह पहुंचे, आचार्य कुलम विद्या पहुंचे। तो पूज्य स्वामी जी ने जो इस देश के लिए एक बड़ी सौगात दी है, वो आचार्य कुलम दिया है कि जगह जगह विद्या जा रही है। और कहीं ऐसा ना हो 10-20 साल के बाद में जिस तरह से यहां से भाग रहे हैं लोग स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं ऐसे एक सपना देख रहा हूं शेख चिल्ली वाला, तो मेरा भी एक सपना है कि कई अन्य देशों की एम्बेसियों में वहां के हजारों हजारों लाखों युवक कहीं भारतीय दूतावास के आगे लंबी कतार लगा के न खड़े हों। हर दूतावास में लंबी कतार न हो भारतीय दूतावासों में कि ये यूथ क्यों खड़ा है, लंबा क्यों क्यों है, ये क्यों है, वीजा क्यों चाहिए इनको भारत का। तो वो पता है क्या कहेंगे कि हमको वो आचार्य कुलम में पढ़ने के लिए जाना है। क्या यहां ऐसा पैटर्न, क्या यहां इस तरह की सोच, कैरिकुलम, ऐसा सिलेबस नहीं बनाया जा सकता क्या? और सच मानिए उसी दिशा में कुछ काम जरूर चल रहा है, क्योंकि कुछ करंट ऐसा होता है जो भीतर रहता है, बाहर नहीं। हां, महाराज जी ने कोई दो चार प्रयोग कर लिए, वो प्रयोग उनके सफल भी हो गए, क्योंकि निष्काम भाव से, अकाम आपकाम भाव से कोई बात की जाए तो प्रयोग हो भी जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका ध्येय केवल विद्या है और इस देश के कल्याण के निमित्त ही वो इस धरती पर हैं। आज बस इतना ही काफी है, ये तो अपनी जगह है मेरी, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, फिर कभी बोल देंगे, फिर कभी सीरीज लेक्चर देंगे कभी। हमारे अत्यंत आदरणीय आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज को मेरे सादर अभिवादन, मेरे उनको प्रणाम, और पूज्य महाराज जी को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। पूज्य महाराज जी ने अपने आशीषों से हमको पूरी तरह से अभिषिक्त किया है, कृतज्ञ हृदय से उनको हम सभी नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। महाराष्ट्र को बहुत बहुत वंदन करते हैं कि उन्होंने वेदों में, शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में जिन सत्यों का संकेत किया है, उन सारे सत्यों को इस थोड़े से कालखंड में उन्होंने समेट लिया। बहुत सामर्थ्य है, वाक सामर्थ्य तो अपरिमित है इनमें, और उसके लिए तो पूरे जैसे एक व्यक्ति की एक पहचान ही हो जाती है, तो शब्दों के शहंशाह के तौर पर इनकी पहचान पूरी दुनिया में। माने ये जो वाक सामर्थ्य है, उपनिषद वेदों में तो हमारे यहाँ एक ब्रह्मगवि सूक्त है, माने ब्राह्मण की जो एक सन्यासी की, एक ऋषि की, एक तत्ववेत्ता आत्मवेत्ता की जो वाणी होती है वो अमोघ होती है, और ऐसे ही जो है एक दिव्य वाणी का जिसमें सारे सत्यों का समावेश था कि जो है जीवन के सारे पहलुओं को छूते हुए कि किस तरह से हमें इस जगत में भी दिव्यता के साथ जीना है और अंत में अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है समर्थ गुरुओं की शरणागति में रह करके, शास्त्र की शरण में रह करके, वेद की शरण में, भगवान की शरण में रह करके, और अंत में राष्ट्रीय
जो हमारा चरित्र है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के चरित्र से ही राष्ट्र का चरित्र बनता है। और आज प्रभात से कुछ ऐसा ही प्रसंग योगाभ्यास के साथ चल रहा था कि हम नारा लगाते हैं, मेरा भारत महान, मेरे राष्ट्र का चरित्र हो महान। हम बार बार कहते हैं हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है, तो ये भारत महान कैसे बनेगा? जब इस देश के 125 करोड़ महान होंगे तो भारत तो अपने आप ही महान हो जाएगा। जब 125 करोड़ लोग चरित्रवान होंगे, वैभवशाली होंगे, तो भारत परम वैभवशाली अपने आप ही बन जाएगा। और जैसे किसी बात को कहा जाता नहीं कि भाई ये किस बात का प्रतीक है। मुझे याद है करीब 20 साल पहले जब इस जगत में हमारे पास में विशेष विभूति नहीं थी, तब महाराज हमको अमेरिका में, हमारे एक मित्र हैं, सन्यासी हैं वो, अनुपम मिशन के, एक 65 में रहते हैं, योगी जी महाराज उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें इन्हीं वस्त्रों में रहकर सन्यासी बनना है, तो वो 65 में रहते हैं, जस भाई साहिब नाम है। तो उन्होंने मुझे अमेरिका में एक कार्यक्रम में बुलाया, तो हमको पता नहीं था ये क्या वीजा होता है, क्या एम्बेसी होती है। हम गए, उन्होंने कहा कि कोई बैंक बैलेंस, मैंने कहा बैंक अकाउंट ही नहीं है। कोई पर्सनल प्रॉपर्टी, मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी, कोई प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं। शादी विवाह, मैंने कहा किया ही नहीं। तो बोला आपको वीजा ही नहीं मिलेगा। बोले जिसने शादी ब्याह करने ही रखा, जिसके पास कोई पर्सनल प्रॉस्पेरिटी है नहीं, बैंक अकाउंट है ही नहीं, कहीं वहीं गायर वहीं तो नहीं रह जाएगा। तो हमको वीजा ही नहीं दिया साहब। तो पहली बार हमारा, ये आपको पहली बार सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया महाराज। तो जब फिर हम योग करते रहे तो एक बार यूएनओ का आमंत्रण आया कि आप यहाँ आइए। फिर दोबारा भी पूछा बैंक अकाउंट, मैंने कहा जीरो। पर्सनल प्रॉस्पेरिटी जीरो। शादी विवाह किया ही नहीं। 10 साल का वीजा दे दिया महाराज। तो अब जो है, आप में भगवान की विभूति जब प्रकट होती है तो ये सारी सृष्टि आपके लिए अनुकूल हो जाती है। तो तब मैंने देखा महाराज, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब वहां अमेरिका की एम्बेसी में, यूके की एम्बेसी में लाइन लगा के लोग खड़े रहते थे। अभी भी रहता है, थोड़ा कम हुआ है। मैं विदेश में गया महाराज, भारत में हैं लोग आने के लिए लाइन लगा के कहीं खड़े नहीं होते। आज आपने बहुत अच्छी बात कही, हम वो भी दिन देखना चाहते हैं जब हिंदुस्तान के जो दूतावास है ना बाहर, हिंदुस्तान के जो एम्बेसी है, वहां पर लोग लाइन लगा के खड़े हों कि हमें भारत में जा करके आचार्य कुलम में पढ़ाई करनी है, हमें पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करनी है, हमें भारत की विद्या विभूति से लाभान्वित होना है, हमें भारत के गुरुओं के पास जाना है। तो महाराज जी ने जो बात कही कि भारतीय दूतावास में हम लंबी कतारों का, भारतीय दूतावास जो पूरी दुनिया में बने हुआ, इंडियन एम्बेसीज के बाहर एक लंबी कतार लगे, और वो दिन भी हमारी आंखों के सामने हमें देखने को मिलेगा, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। आज महाराज जी, मैंने आपको बात बता नहीं पाया था, आज ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां जो तैयार हो रहे हैं अपनी उस ऋषि सत्ता का प्रतिरूप, अपनी उस आचार्य सत्ता का, समर्थ गुरु सत्ता का, जिसको आप कह रहे थे हम तो गुरु बनाते हैं, तो जिन ब्रह्मचारियों को एक प्रामाणिक आचार्य के तौर पर एक ऋषिकोटि के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां तैयार हों, उसके रूप में जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, उनके अभिभावक आए हुए, तो उनका ये शिविर रखा हुआ है। साल में इनको एक बार बुला लेते, क्योंकि बच्चों को हम नहीं घर भेजते। मैंने कहा हम इनको नहीं भेजेंगे, आप यहाँ आ जाइए तो आपका भी थोड़ा उद्धार हो जाए, तो इनको यहाँ बुला लेते हैं। और ये अलग प्रकल्प है आचार्य कुलम का, तो वह पूरे देश में दिव्य नेतृत्व तैयार हो, चरित्र युक्त दिव्य नेतृत्व, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व तैयार हो, तो वो छोटे बच्चों से लेकर के और विश्वविद्यालय तक की अलग परिकल्पना है। ये अपने गुरु शिष्य परंपरा का, जो व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन उपनिषद वेद शास्त्रों के अभ्यास का क्रम है, वो चल रहा है। और इसके संदर्भ में महाराज श्री ने हमें बहुत तरह से मार्गदर्शन दिया, और
चाहे तन से लेकर के मन से लेकर के वतन के साथ जुड़े हुए जो गहरे प्रश्न हैं, उनकी एक बहुत गहरी समझ हमारी विकसित हो, उसके बारे में बहुत सहजता के साथ, बड़ी दिव्यता के साथ, बड़े अनुग्रह के साथ हम सबको ऊपर उठाने के लिए, अपनी दिव्यारोहण पाने के लिए जो प्रेरणाएं दी कि देखो भाई, मन तो विकल्पों का भंडार है, आपके सामने ऑप्शंस देता रहता है, ये भी 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 है, अब उसमें से आपको विकल्पों में बहकना नहीं है, एक संकल्प के साथ। मैंने महाराज बार बार इन एक बात कही है कि मेरे जीवन के प्रारंभिक वो क्षण जब गांव की धूल धूसरी तो उस भूमि से हमने चरण आगे बढ़ाए, वहां से एक बाहर निकले, तो एक तो था कि विकल्प रहित संकल्प कि जो है बस ध्येय दिखना चाहिए बाकी, और वो ध्येय भी अपना गंतव्य कहाँ लेके जाएगा ये नहीं पता, लेकिन एक ध्येय है कि मुझे ऋषियों के पथ पर चलना है, ऋषिणाम चरितम सत्यम। विकल्प रहित संकल्प, मैंने कहा आपको तो अब पता है कि यहाँ गुरुजी हैं, ये गुरुकुल है, ठिकाना सब पता है, हमको तो यही नहीं पता है कि कहाँ हमें जाना है, लेकिन एक संकल्प था, और उस संकल्प में कभी एक क्षण के लिए भी मैं पूरी प्रामाणिकता से इस बात को कह सकता हूं कि जीवन के प्रभात से लेकर के जीवन के जिस पड़ाव पर आज हम हैं, एक क्षण के लिए भी अपने संकल्प में हमने विकल्प नहीं आने दिया। चाहे वो गृह त्याग का संकल्प था, वेद विद्या पढ़ने का संकल्प था, और उसके बाद चाहे वो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, और वैदिक संस्कृति को गौरव दिलाने का, राष्ट्र को गौरव दिलाने का, और ये जो पूरा इस किसी भी संकल्प में कभी विकल्प बस आने नहीं देना। ये बातें तो आपने इतनी सुन ली हैं इन तीन दिनों में, तीन दिनों में तो यमाचार्य और नचिकेता का आपने संवाद सुना है, तीसरो रात्रि यत अवाचित गृह में अनशनन अतिथि ब्राह्मण नमस्ते तस्मात प्रति तीन वराण वृणीश्व, तीन वर मिल गए थे उसको तो तीन रात्रि में, तो रात तीन दिनों में तो आचार्य उपनयमान और ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंथ तम रात्रि तीसरे उदरी विभर्ति तम जातुम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। कहते हैं तीन दिन को यदि गुरुआश्रम में रह जाए तो देवता उसके दर्शन करने के लिए आते हैं, इतनी दिव्यता आ जाती है उसके अंदर। तम रात्रि तीसरे उदरी विभर्ति तम जातुम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। तो मुझे लगता है सारे देवता आपको आशीर्वाद देंगे, और सच में ये बात कह रहा हूं, जब आप अपने आप को भागवत सत्ता को अर्पित कर देते हो ना, तो सारे देवता आशीर्वाद देने लगते हैं, जैसे महाराज जी भी हमें आशीर्वाद देते रहते, सब महापुरुष हमें आशीर्वाद देते रहते, गुरु जी के हमें आशीर्वाद प्राप्त है, पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के भी, गुरु जी के, उनके भी हमें आशीर्वाद मिले, पूज्य बापू से, मुरारी बापू से लेकर के, मैंने देखा आध्यात्मिक महापुरुषों से लेकर के सारी जगती के आशीष हमने पाए, और ऐसा हम हर पल अनुभव करते हैं। ब्रह्मचारी शास्त्रतिरोधसि उभी तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, सारे देवता आशीष देते हैं हमको, सच में ऐसा हमें तो अनुभव होता है, आप भी अनुभव करके देखना, बहुत बहुत आनंद आता है। महाराज जी ने तरंगों की बात की, कई तरह से महाराज जी ने ये सब तरह से जो है विद्याभ्यास और जो है अपनी ऋषि परंपरा के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान, उनको बहुत अध्ययनशील रहते हैं, सब तरह के अभ्यास करते हैं, तो वो भी किस तरह से हमारे मन के तार किससे जुड़े रहे, समर्थ गुरु सत्ता से, ऋषियों से, भगवान से है? भजन भी गा रहे थे आप तो हैं, स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तो सुबह उठते ही गुरु सत्ता का, ऋषि सत्ता का, भागवत सत्ता का ध्यान करके बस उनके पथ पर आगे बढ़ते जाएं। आपने बहुत कुछ इन तीन दिनों में यहां से पाया है, आज समापन पर
पूज्य महाराज श्री ने आकर के सारी दैवी शक्ता सत्ता का, दैवी संपदा का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आशीष दी। एक बार पुनः हमारा बहुत बहुत प्रणाम। और ब्रह्मचारियों की बहुत इच्छा थी महाराज जी, मेरे से ब्रह्मचारियों ने कई बार कहा कि महाराज जी को बुला करके जो है हमें आशीष दिलाओ जरूर। तो महाराज जी ने आज और विशेष अनुग्रह कर दिया है कि आप लोगों को अब एक जो है, जो हमारे ऋषियों ने कहा ना स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमेदतव्यम, तो आपको एक ऐसे स्वाध्याय और प्रवचन की श्रृंखला चलाएंगे कि जिससे कि आप भी स्वामी जी महाराज जैसा जीवन और इन जैसा वक्तृत्व भी आपके अंदर पैदा हो जाए। महाराज जी और भी तो तैयार करने हैं ना, सब नेतृत्व भी तैयार करना और वक्तृत्व भी तैयार करना है आजकल, नहीं तो ये इनका भी जो बहुत बड़ा क्राइसिस है जो है, जिनके जीवन में दिव्यता हो, माने जिनके व्यक्तित्व में भी दिव्यता हो और जिनके वक्तृत्व में भी दिव्यता हो, जैसे पूज्य महाराज जी के जीवन में है, ऐसे आप ब्रह्मचारियों में व्याकरण आदि शास्त्र का तो अभ्यास कर ही रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि शास्त्राभ्यास तो हो जाता है लेकिन ये भी एक अभ्यास है, वक्तृत्व भी एक अभ्यास है। व्यक्तित्व का तो अभ्यास करना ही है, उसके लिए तो पूज्य महाराज ने कहा ना कि हमारे अभ्यासों का परिणाम, उसी का उत्पाद या हमारा जीवन है पूरा का पूरा। तो आज फिर समापन के सारे जो भी कार्यक्रम आपके शेष हैं उनको आप लोग करते रहना, पूज्य गुरुदेव का आश्रय निरंतर आपको मिल ही रहा है। और भाई इन अभिभावकों की तरह जिन माता पिता को ऐसा मन में भाव आ रहा हो, अभिभावक जो भाव से बहुत अभिभूत हैं, वो अभिभावक जो दिव्य भाव से बहुत अभिभूत हैं, ऐसे अभिभावक कि हमारी भी संतानें ऋषियों जैसी बने, तो उनको श्रद्धेय गुरुदेव के पास भेज देना। उनको वैदिक गुरुकुलम में, वैदिक कन्या गुरुकुलम में भेज देना। तो देखो हमारी खेती बहुत अच्छी है, बीज अच्छे आप दे देना, और उसको खेती बहुत अच्छी है पतंजलि योगपीठ की, फिर हम उसको एकदम जो है प्राकृतिक खाद देते हैं, एकदम 100% ऑर्गेनिक, तो उनको पूरा प्रकृति का आशीर्वाद मिलेगा। तो अच्छे बीज आप दे देना, अच्छी संतानें आप हमको दे देना, उनको अच्छा वातावरण। देखो चार चीजें हमको महान बनाती हैं, एक जो है हमारी वंश परंपरा, जिसमें अनादिकाल का हमारा कर्माशय संस्कार और प्रारब्ध जुड़ा होता है, एक वंश परंपरा जिसमें हमारा प्रारब्ध जुड़ा है, दूसरा पुरुषार्थ। तो जिन ब्रह्मचारियों के ब्रह्मचारिणियों का अच्छा प्रारब्ध है, हम देख रहे हैं यहां, ये करीब श्रद्धेय गुरुदेव 40-50 वर्षों से उसको अनुभव कर रहे हैं गुरुकुलीय परंपरा में, हम भी इसको करीब जो है 30-35 सालों से अनुभव कर रहे हैं। जिन आत्माओं का प्रारब्ध बहुत अच्छा है, उन आत्माओं में बहुत दिव्यता प्रकट हो जाती है। तो जिन आत्माओं का अच्छा प्रारब्ध है उनमें पूरी दिव्यता प्रकट होगी 100%, इसमें कोई शंका संशय भ्रम उलझन नहीं है। प्रारब्ध वंश परंपरा के बाद दूसरा नंबर है पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ स्वयं का पुरुषार्थ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, वो तो प्रारब्ध को भी बदल देता है, प्रबल पुरुषार्थ हो तो। फिर तीसरा है प्रशिक्षण, प्रतिक्षण इनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे इनमें सब प्रकार की दिव्यता प्रकट हो। और चौथी चीज होती है प्रशिक्षक। तो भाई यहां पुरुषार्थ में हम कोई न्यूनता नहीं रखते, प्रशिक्षण में कोई न्यूनता नहीं रखते, और प्रशिक्षकों में भी कोई न्यूनता नहीं है, बस अच्छे प्रारब्ध वाली आत्माएं आप सब हमें दे देना, निश्चित रूप से इस देश ही नहीं पूरी दुनिया में हम दिव्यता लेकर के आएंगे। बस इसी संकल्प के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। बोले भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।
और आप सब अभिभावकों की भी जय हो। आपने इतनी अच्छी अच्छी दिव्य संतानें, ऊंचे प्रारब्ध वाली संतानें हमको दी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना माता पिता को प्राणों से भी प्यारे होते हैं, और ऐसे प्राणों से भी प्यारे बहुत जो है अच्छी अच्छी संतानें आपने हमको दी, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।